गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है 3-4 दिनों से, और अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। और मैं आई हूँ चतरा। हमारे फैमिली में कुछ फंक्शन है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ तैयारी कर रही थी, और मैंने बताया था कि फैमिली फंक्शन है, तो उसी के लिए मैं आई हूँ चतरा। लेकिन हमें जाना है गांव। हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से, माँ भाई भाभी सब कोई, और कुछ लोग आज ही निकल रहे हैं, भैया भाभी लोग। और अभी मैं जा रही हूँ। कल रात में ना बारिश बहुत हुई थी और माँ गिर गई थोड़ा बाहर आंगन में जब निकली थी, तो उसके पैर में मोच आ गया है। तो मैं उसका वो कुछ लोग होते हैं ना कि जो मोच आ जाता है उसको ठीक करने के लिए, तो मैं माँ को लेकर के जा रही हूँ। और बस फिर मिलते हैं बाद में, है ना। बहुत सारा आज हमें काम करना है, और मैं क्या क्या करूँगी वो आप लोगों को बताऊँगी दिखाऊँगी। और देखिए, मैं सुबह सुबह खा रही हूँ पियर। गला मेरा बैठा हुआ है, बट ये पियर मैं खा रही हूँ। ये घर का है, किसी ने लाकर दिया हमें, मतलब ये बाजार से खरीद कर नहीं लाया गया है, ये घर का है। हम लोग आ गए हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कौन सा घर है जहाँ पे वो एक आंटी है वो मालिश करती है। और ये है, जंगल के बीच में है ये घर। लोग ज़मीन, इधर पूरा जंगल था, इसको लोग काट काट के मेहनत करके खेतों को बनाए हैं, और यहाँ पे बस गए हैं। यहाँ पे कुछ ही घर हैं, 4-5 फैमिली होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। जब मैं पढ़ती थी, मतलब हो गए होंगे 17-18 साल के बाद मैं आई हूँ, और मुझे रास्ता थोड़ा सा मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आ गई। और आते समय मैं वीडियो नहीं बना पाई मैं किन रास्तों में स्कूटी चलाते हुए आई हूँ, तो अभी जाते वक्त थोड़ा सा मैं बनाऊँगी कि किन कैसे रास्तों में मैं स्कूटी चला पाई धीरे 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 धीरे, क्योंकि माँ का पैर ये है ना, तो अगर कुछ गिर उड़ जाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे। तो चलिए पूछते हैं फिर उनसे, इधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मदर मेरी का गोरोटो बना हुआ है, देखिए बहुत ही सुंदर है। हाँ, डंटा दे क्या? डंटा, एक सेकंड, माँ चल नहीं पा रही है, ये डंटा दे देती हूँ शायद इस। हाँ, ऐसे पकड़ के लो, पकड़ो। बोलते बोलते मैंने गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे कह रहे हैं, और ऐसा ही ना थी लोयला की सिस्टर। हाँ, जो भी प्रिंसिपल है ना। हाँ, वो सिस्टर ऐसे ही सीढ़ी से गिर गई थी, पूरा फूल गया था। सिस्टर, हाँ, एक्सरे सब करवाई, उसके बाद में कुछ नहीं निकला, तो फिर यहाँ ही 3 दिन लगातार ठीक हो गई, फिर भी ज्यादा चलने सब की। ए जान गया, बी लिखो। अभी वो आंटी आई नहीं है, वो चर्च गई है, और चर्च के बाद वो और 1-2 घंटे आराधना करती है, उसके बाद ही वो आती है। और माँ बैठी हुई है वहाँ, बातें कर रही हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इधर हरे हरे पेड़ पौधों को, जंगल को थोड़ा निहार लूँ। देख सकते हैं गांव का नज़ारा कुछ अलग ही लगता है। देखिए,
नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ जरूर बना दूंगी। खोल के दिखाऊं? देखिए फ्रेंड्स, ये जंगल में भी देखिए ये सब चीज मिल जाता है। और ये भैया आए हुए हैं यहाँ बेचने के लिए। एड्रेस दे दीजिए, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, और ये क्या, इसके लिए क्या करना पड़ता है बता दीजिए। कोई भी फटा पुराना कपड़ा आपके पास में है, पैंट शर्ट सूट सलवार साड़ी मैक्सी नाइटी कुर्ता पजामा सबका बन जाता है। जैसा भी आप ऑर्डर देंगे, दरी बनवाएं, कालीन बनवाएं, भोजन पट्टी बनवाएं, ये कालीन है, वर्ल्ड बिल्डर नए नए डिजाइन है अलग अलग। और क्या रेट लेते हैं? ये बड़ा कालीन का 1200 रुपये बनाई लेते हैं, सिंगल कालीन का 500 रुपये बनाई लेते हैं, ये वाले का, ये जो भी रखा है, ये दरी का 500 रुपये लेते हैं। 6x9 होता है ये, और उससे भी बड़ा होता है 9x12 वाला कालीन, उसका 5000 रुपये लेते हैं बनाने। अच्छा, और कपड़ा कितना देना पड़ता है फिर? कपड़ा कोई सा भी हो, इसमें जो है बड़ा कालीन में 1 kg कपड़ा लगता है, छोटे के कालीन में जो है 500 ग्राम, मान लो 500 ग्राम आधा किलो कपड़ा लगता है इसमें। अच्छा, और बाकी एक कपड़ा लगता है सारे में। अभी तक हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अभी तक आई नहीं है वो आंटी, और बहुत इतनी गर्मी है ना कि हमें बाहर निकलना पड़ा घर से, और ऐसे खुले जगह में पेड़ के नीचे, कटहल पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ। आज का जो दिन है ना और टाइम है, मतलब एक एक मिनट मेरे को मतलब लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है। नहीं वेस्ट करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। कुछ घंटे ही हैं आज पूरा दिन भर, और रात का कुछ, और सुबह कल मतलब हम लोग 3 या 4 बजे ही निकल जाएंगे सुबह में, और गांव हम लोगों को 9 से 10 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाना है। इसीलिए बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, और मतलब टाइम बहुत लग जा रहा है, और मेरी आवाज़ भारी भारी सी लग रही है, और चेहरा भी अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। मैं जा रही हूँ वापस अकेले, अभी तक वो आंटी नहीं आई है, और मालिश कराना ज़रूरी था, और तो मैंने मम्मी को छोड़ दिया है यहीं पे, और जब उसका हो जाएगा तब मैं वापस इसे लेने के लिए आऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ, देखिए कैसे किन रास्तों से मैं होकर आई थी, और अभी मैं वापस जा रही हूँ अकेले। ऐसा है ये रास्ता, ऊबड़ खाबड़ पथरीली बीच बीच में। और फ्रेंड्स, मेरा जो मोबाइल है ना, उसका हैंडल था पकड़ने के लिए, वो भी टूट गया है, तो मुझे मोबाइल पकड़कर शूट करने में, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि ऐसे है ये रास्ता, थोड़ा दुर्गम, बट काम तो काम करना ही पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी जाना पड़ता है हमें। उसमें अभी अपना, जब तक माँ का इधर होगा तब तक मैं सारा काम निपटा लूँगी, जो भी करना होगा जल्दी जल्दी निपटा कर फिर माँ को मैं लेने आ जाऊँगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा पसंद आने पर। और हम पहुंच गए हैं, ये है रोड, और लेफ्ट साइड हम जाएंगे चतरा टाउन की ओर, और राइट साइड जो रोड है वो जाएगी गया पटना। यहाँ को बोलते हैं बघमंडा, पहले बोला जाता था, अभी भी है बघमंडा। और एक बार हम लोग ना यहाँ पे हाथी देखने के लिए आए थे, मैं बहुत छोटी थी, और इधर पहले बहुत जंगल हुआ करता था, लेकिन अब तो देख रही हूँ पूरा सड़क भी अच्छा बन गया है, और
आसपास में घर दुकानें वगैरह होटल वगैरह बने हुए हैं, जो कि जबकि पहले इधर आने में हम लोगों को बहुत डर लगता था। अभी मुझे आना पड़ा टेलर के पास एक ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए, स्टिच नहीं मतलब उससे फिटिंग करवाने के लिए, और जीन्स देखा और फ्रेंड्स देखिए हम रात के 7 बजे यहाँ पे आए हुए हैं कपड़े की दुकान में। भाई के लिए कुछ लेना था हमें और बहुत कुछ अभी भी शॉपिंग वगैरह करना है, मुझे खुद के लिए नहीं करना है। देखिए सावन आ चुका है, सावन आने वाला है, इसलिए उसके लिए इस तरह के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। इसके बाद आ गए हैं हम शूज़ शॉप में। नमिता को अपने लिए कुछ सैंडल वगैरह लेना है। यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानें हैं कपड़ों की और शूज़ की, बट कुछ ही गिने चुने दुकान हैं जहाँ से हम लोग लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये काम तो हमारा 2 दिन पहले से ही हो रहा है लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये दिन में भी हम लोग बीच बीच में इसको कर रहे थे जब टाइम मिल रहा था, कुछ जब मैं माँ को छोड़ने के लिए गई थी, फिर बीच में मैं अकेले मार्केट गई थी उस समय मोन और ये बाकी लोग सब बना रहे थे, और अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हम रात के 12:30-1 बजे तक ये काम कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। और कल सुबह में हम लोगों को निकलना है 4 बजे। ये बन रहा है ऑर्गेंजी कपड़ा का फ्लावर, आपने पहले भी देखा होगा। और बस सुबह हमें 4 बजे निकलना है, रात काफ़ी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।